कोरोना काल ने सभी के व्यवसायों को प्रभावित किया है। नवरात्र शुरू हो चुका है लेकिन मंदिर के पट बंद हैं। ऐसे में मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के घर से नहीं निकलने से फल का व्यवसाय करने वालों का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। ना तो लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं और ना ही 9 दिनों तक उपवास रखने वाले भी फल पहले जैसे खरीद रहे हैं। फल दुकान वालों का कहना है कि पहले लॉकडाउन और कोरबा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले से लोगों में डर है, यही कारण है पहले जैसे लोग फल का सेवन नहीं कर रहे हैं। भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं चल रहा है सर, लेकिन जो है खरीदारी में मंदी चल रही है, धंधा पानी नहीं हो रहा है। कारण कहाँ पर समझ में आ रहा है, किस लिए? अब कारण लॉकडाउन लगा हुआ है सर, मंदिर का गेट भी बंद है, आदमी का आवागमन कम हो रहा है, तो उसके वजह से जो है धंधा नहीं हो पा रहा है। पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा रहा था सर, नवरात्रि के समय में लगभग 6,000-7,000 की बिक्री आ जाती थी, अभी इस समय 2,000-2,500 की बिक्री आ रही है सर। नहीं चल रहा है सर, किसी तरह रोजी रोटी चल जा रहा है, बस हो गया। पहले मान लो 1,000-1,200 के बिकता था, तो अभी मान लो 1,500-2,000 तक हो जा रहा है। मार्जिन नहीं है ना हम लोगों का, क्या है जैसे 2,000 का धंधा हो जाए तो 250-300 रुपये रोजी निकल जाता है, बस हो गया। हाँ, मंदिर जैसे खुला रहता है तो उस टाइम हम लोगों का धंधा ज़्यादा होता है। और अभी क्या है मंदिर की स्थिति? अभी मंदिर की स्थिति तो बंद है, तो कहाँ से होगा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।